मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, इंग्लिश, लेसन नंबर 2, द हेयर ऑन द मून, खरगोश चंद्रमा पर या चंद्रमा पर खरगोश, ये लेसन नंबर 2 है बच्चों। लेसन नंबर 1 आपका कल कंप्लीट करा दिया गया था। आज हम फिफ्थ क्लास में इंग्लिश का लेसन नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। द हेयर ऑन द मून, चंद्रमा पर खरगोश। ए हेयर लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ही हैड टू फ्रेंड्स, एन ओटर एंड ए मंकी। द थ्री स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। ए हेयर लिव्ड इन द फॉरेस्ट, एक खरगोश जंगल में रहता था। एक खरगोश जंगल में रहता था। ही हैड टू फ्रेंड्स, उसके दो मित्र थे। एन ओटर, एक उदबिलाव। ओटर मीन्स होता है बच्चों उदबिलाव। एक उदबिलाव एंड ए मंकी, और एक खरगोश। द थ्री स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, तीनों बहुत अधिक समय एक साथ व्यतीत करते थे। तीनों मित्र बहुत अधिक समय एक साथ व्यतीत करते थे। ठीक है बच्चों। वन डे ए बेगर केम टू द फॉरेस्ट, ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही लुक्ड वेरी टायर्ड एंड हंग्री, ही सा द ओटर ईटिंग फिश, ही वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। वन डे ए बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक भिखारी जंगल में आया। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही लुक्ड वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ और भूखा दिखाई पड़ता था। ही सा द ओटर ईटिंग फिश, उसने देखा कि उदबिलाऊ मछली खा रहा है। ही वेंट अप टू हिम एंड सेड, वह उसके पास गया एंड सेड और कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ दे दो। आई हैव ए फिश, मेरे पास मछलियाँ हैं, सेड द ओटर, उदबिलाऊ ने कहा। यू कैन हैव इट If you like, तुम इनको ले सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। I have a fish, मेरे पास मछलियाँ हैं, said the otter, उदबिलाऊ ने कहा। You can have it, तुम इनको ले सकते हो, if you like, यदि तुम इनको खाना पसंद करते हो। But लेकिन, I do not eat fish, said the beggar, have not you got something else? But I do not eat fish, लेकिन मैं मछलियाँ नहीं खाता हूँ, said the beggar, भिखारी ने कहा। Have not you got something else, क्या तुम्हारे पास कोई और वस्तु नहीं है? Have not you got something else? क्या तुम्हारे पास कोई और वस्तु नहीं है? No, नहीं, said the otter. उदबिलाऊ ने कहा, नहीं. I have got nothing else. मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है. ठीक है बच्चों? चलिए बढ़िया आगे. Then the beggar went to the monkey, who was eating nuts. I am very hungry, he said to the monkey, please give me something to eat. Then the beggar went to the monkey, तब भिखारी बंदर के पास गया, who was eating nuts, जो मूंगफलियां खा रहा था. I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूँ, ही सेड टू द मंकी, उसने बंदर से कहा।
प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए दे दो, कृपया मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए दे दो। आई हैव दिस लिटिल नट, मेरे पास थोड़ी मूँगफलियाँ हैं, मेरे पास थोड़ी मूँगफलियाँ हैं। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। यू कैन हैव इट, तुम इनको ले सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि तुम इनको पसंद करते हो। तुम इनको ले सकते हो यदि तुम इनको पसंद करते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ओ अरे, बट लेकिन, आई एम वेरी हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। सेड द बेगर, भिखारी ने कहा। आई वांट ए लॉट ऑफ नट्स, मैं अधिक मूँगफलियाँ चाहता हूँ, मैं अधिक मूँगफलियाँ चाहता हूँ, या मुझे और अधिक मूँगफलियाँ चाहिए, मुझे और अधिक मूँगफली चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है। सैड द मंकी, बंदर ने कहा। मुझे बहुत दुख है, बंदर ने कहा। आई हैव दिस वन ओनली, आई हैव दिस वन ओनली, मेरे पास केवल यही हैं, मेरे पास केवल ये ही हैं। दोबारा रिपीट कर लेंगे। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। सैड द मंकी, बंदर ने कहा। आई हैव दिस वन ओनली, मेरे पास केवल ये ही हैं। देन द बेगर सा द हेयर, तब भिखारी ने खरगोश को देखा। हु वाज ईटिंग ग्रास, जो घास खा रहा था। ही वेंट अप टू द हेयर एंड सेड, वह खरगोश के पास गया और कहा, वह खरगोश के पास गया और कहा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज़ गिव मी सम फूड, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। बच्चों, ये यहीं तक आज पढ़ाया जाएगा और आधा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे आधा लेसन कल वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा। यहीं तक आप याद करेंगे, हिंदी को रफ कॉपी पर लिखेंगे, और इसके साथ साथ जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं होता तब तक इसकी राइटिंग आप करते रहेंगे। यही राइटिंग आपको करनी है इसी लेसन की, जब तक ये लेसन की हिंदी कंप्लीट नहीं होती है यही राइटिंग आपकी चलती रहेगी। मैंने कल भी आपको बताया था, सभी बच्चों को डेली हिंदी की और इंग्लिश की एक एक राइटिंग करनी होगी, जिससे आपका जो आपका राइटिंग है वो कंट्रोल में रहे, आप अच्छी राइटिंग करते रहें और राइटिंग आपकी आपकी राइटिंग में इम्प्रूव होता रहे। तो बराबर आप राइटिंग करते रहेंगे और जब तक ये लेसन चलता है तब तक इसकी राइटिंग ही आपको करनी है। आधा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, आधा कल वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। हिंदी को तब तक याद करते रहें जब तक कि आपके कंप्लीट याद नहीं होती है। थैंक यू।